पीरियड आना बंद हो जाए तो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। अगर आप एक लड़की हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, एक मिनट बस वीडियो को देख लो, ज़्यादा देर नहीं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका पीरियड आना बंद हो चुका है तो कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आपको कन्फर्म पता लग जाएगा, आपको किसी से बताना भी नहीं है, डॉक्टर के पास में भी नहीं जाना है, आप खुद से ही जान सकते हो। अगर आप एक लड़के हो इस वीडियो को देख रहे हो फिर भी इस वीडियो को देखना, आपकी गर्लफ्रेंड है तो ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर पीरियड आना मिस हो जाता है यानी कि पीरियड नहीं आता है मंथ में तो प्रेगनेंसी का शिकार हो जाता है, प्रेग्नेंट होने के कारण की वजह से पीरियड आना बंद हो जाता है। लेकिन और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर पीरियड मिस हो रहा है नहीं आ रहा है तो प्रेग्नेंट ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे लेकर के चलते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो बस थोड़ी सी और वीडियो होने वाली है, आपको 100% कन्फर्म पता लग जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे जैसे कि मैंने दो वजह आपसे बताई है कि पीरियड ना आने की दो वजह होती है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत आसान और हिंदी लैंग्वेज में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस वीडियो पे बने रहिएगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहला हो गया प्रेग्नेंट, अगर पीरियड आना बंद हो रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो। ये चीजें कैसे आप पता करोगे प्रेग्नेंट हो फिर या नहीं हो? अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो दो वजह होती है, पहला हो गया प्रेग्नेंट, दूसरा हो गया हार्मोन्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट, यानी कि अगर पीरियड आना बंद हो जाता है, पीरियड मिस हो जाता है तो हम कैसे पता करें कि प्रेग्नेंसी रुकी है कि नहीं रुकी है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर आप एक लड़की हो और आपका पीरियड मिस हो चुका है, अगर नहीं आ रहा है तो अगर आपने सेक्स कर रखा होगा पहले और अब आपके नेक्स्ट मंथ में पीरियड्स आना बंद हो चुका है, मिस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रेग्नेंट होंगी। इस चीज़ का 100% तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रेग्नेंसी रुक गई हो, ओके। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गया कि आप कैसे पता करोगे कि अगर आपकी पीरियड आना बंद हो चुका है, मिस हो चुका है, नहीं आ रहा है तो क्या वजह हो सकती है। पहला वजह मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और कॉल करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, चाहे कॉल पर कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम से कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे बता दूँ तो दूसरा है हार्मोन्स, अगर आपका पीरियड आना मिस हो चुका है, नहीं आ रहा है, बंद हो चुका है तो बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर आपने सेक्स नहीं किया है और आपका पीरियड आना बंद हो चुका है तो वहां पे हार्मोन्स का डिसबैलेंस के कारण की वजह से आपका पीरियड आना बंद हो जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं ना, जैसे कि हार्मोन्स हो गया PCOD, ठीक है, या फिर PCO इस तरीके का हार्मोन्स होता है, या फिर ओवर वेट हो गया, अंडर वेट हो गया, इसके कारण की वजह से हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के कारण की वजह से आपका पीरियड नहीं आता है। और ख़ास करके ये इस केसेस में होता है 1 ईयर में, यानी कि आपका पीरियड का फर्स्ट ईयर है, समझने की कोशिश करना, आपका पीरियड फर्स्ट ईयर के लगभग है यानी कि पहले साल से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले साल में ये ज़्यादा केसेस देखने को मिलता है कि पीरियड आना मिस हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने सेक्स नहीं किया तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत। अगर आपने सेक्स किया है पहले और अब आपका पीरियड आना बंद हो चुका है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हो, और प्रेग्नेंट कभी भी हो सकती हो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है और आपने पहले सेक्स किया है तो जाहिर सी बात है आपकी प्रेग्नेंसी रुक चुकी होगी। एक बार टेस्ट जरूर कर लेना, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्प सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर मैसेज पर बात करना है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।